टफेस्ट फायर फाइटर जो हमने गेम आयोजित किया उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत पहले 30 किलोमीटर साइकिलिंग करा चला के लोग करेंगे। इसमें 9 पार्टिसिपेंट है, अभी उसने 6 ने रिपोर्ट किया है, 3 सिक हो गए हैं। बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में, तो हमें तकलीफ भी हो रही है, पर हमारे जो फायर फाइटर का जज्बा देख के दिल में इतनी खुशी है कि इस मौसम में भी, जो मौसम उनके लिए सुहाना हो गया दिल्ली का, दिल वालों का, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए गुड, तुम सारे मजबूत आदमी हो। शरद और उसके बाद कौन है? राजेंद्र, दिल्ली फायर सर्विस के हम भी। तू कब आ गया दिल्ली में? 52 ईयर का सर, ये वो कह रहे थे ना, ये 52 ईयर का, उसके बराबर में रहेंगे। नहीं हो गया सब दिल्ली, 1-2-3 लोग दिल्ली, दिल्ली वाले लोग। शांत रहिए आप इधर। 30 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग नोट करने के लिए आपको पीछे बंदे मिलेंगे, वो आपको बताते रहेंगे एवरी स्टेप पे, आप 5 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। 30 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद आपको ट्रैक पर जाना है। ट्रैक पर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। 5 किलोमीटर मतलब 12:30 राउंड। उसके लिए आप वहाँ रेफरी होंगे, वहीं से स्टार्ट कराएंगे। आपके पूरे 5 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद आप फिनिशिंग लाइन से काउंट होगा, वो ट्रैक एक एक आदमी एक का काउंट करता रहेगा सर। देरी रेफरी है, वो सबका काउंट करते रहेंगे। अलग अलग रेफरी अलग अलग लोगों को? नहीं सर, एक रेफरी के पास सर। सर हमारा काम आप निश्चिंत रहिए, सर आपका काम नहीं सर, हमें मेहनत करनी है सर। सर सुनो तो सही, बोलने तो दिया करो। सर जैसे एथलेटिक्स की रनिंग होती है, नाम होता है, नाम के आगे राउंड लिखे होते हैं। जितना राउंड आप कंप्लीट करते रहते हैं, रेफरी राउंड कट करता रहता है और एवरी राउंड पे आपको बताता रहता है 5 राउंड्स लेफ्ट 6 राउंड्स लेफ्ट 2 राउंड्स लेफ्ट। वो आपको हर राउंड पे अनाउंस करेगा इतने राउंड आपके लेफ्ट हैं। सेम जैसे साइकिलिंग में आपको अनाउंसमेंट होगी 5 किलोमीटर डन। बस पूछ लिया, सजेशन यही था, एक के पीछे एक लगा दो। हां तो अभी समझो हम लोग साथ में भाग रहे हैं, तो किसका किसका अनाउंस करें वो तकलीफ में आ जाएगा। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2। उसके लिए रेफरीज हैं सर, वो सब काम करते ही हैं। ठीक है, वो रेगुलर है, वो काम करते हैं। वी हैव वॉलंटियर्स फॉर दैट। अगर वो भी हम कर देंगे, एक पर्सन को हम नोट करेंगे, लगा देंगे पर्सन, लगा देंगे। वीडियोग्राफी हो रही है, सारी चीजें, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे बताइए आप। 12:30 ट्रैक पर कहीं से भी जा सकते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको सिर्फ उस पर पहुंचना है रनिंग के लिए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप सीधा रनिंग करते हुए जाएंगे। हाँ। टेंडर्स के पास, फायर टेंडर के, फायर टेंडर्स के पास आप जाएंगे। वहाँ पर 2 होज फ्लेकिंग में रखे हैं। सर सूट कहाँ? नहीं नहीं नहीं, सूट कहाँ पहनना है? बता रहा हूँ सर, रुक तो जाओ सर, आप होज में आ गए सीधा। सर रुक तो जाओ, पहले मैं बता रहा हूँ सर। ठीक है, वहाँ पर 2 होज फ्लेकिंग में रखे हैं। उससे पहले साइड में वहाँ पर आपको फायर सूट प्रोवाइड करा जाएगा। जो फायर सूट आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड बंदा दिया जाएगा, वो फायर सूट आप ही को देगा। आपको फायर सूट पहनना है, जिसमें कि जैकेट, ट्राउज़र, गमबूट एंड हेलमेट, दीज आर मैंडेटरी। इसके अलावा अगर आप कुछ पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहें तो नहीं पहन सकते। ठीक है, हेलमेट इज़ मैंडेटरी। हाँ मैंडेटरी है, हेलमेट मैंडेटरी है, मैंडेटरी, तभी तो फायर सूट होगा। चलो ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद फायर सूट पहनने के बाद वहाँ पर बीए वैन रखी है। बीए वैन से आप एक बीए सेट लेंगे विदाउट फेस मास्क। ठीक है, आप उसको बैकपैक की तरह अपने बैग पे लेंगे। फिर जो फ्लेकिंग में होजेज रखे हैं उनके साथ में ही ब्रांच रखी होंगी। पहले आप दोनों होज पर ब्रांच कनेक्ट करेंगे। दोनों जो कपलिंग्स हैं होज के, मेल कपलिंग्स, उनको टेंडर में कनेक्ट करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप पहले कनेक्ट करें ब्रांच को या पहले आप कपलिंग को कनेक्ट करें, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई इसमें पेनल्टीज नहीं है, आप कोई भी स्टेप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दोनों होजों को राइट एंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से लेना है और उनको रन करके पूरा ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप होजेस को वहीं छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हमने 3 इक्वल साइज होजेस खोल के रखे हुए हैं ओपन, उनको आपको रोल करना है। रोल करने के बाद आपको प्लेटफॉर्म रखा है उसके ऊपर प्लेस करना है। सिंगल एनीवन, एनीवन हो तो 6-7 में तो 6 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है आपको एक होज को रोल करना है। रोल करने के बाद प्लेटफॉर्म पर रखना है। देयर इज अ प्लेटफॉर्म वहां पर हर पॉइंट पे आपको वॉलंटियर्स होंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 2 फॉर्म ड्रम उठाने हैं। 2 फॉर्म ड्रम उठा के रैंप से ऊपर आना है। कौन सा? यही वाला, ये दिस रैंप, इससे ऊपर आना है। रैंप क्रॉस करके आपको फॉर्म ड्रम रखने हैं। फिर यहाँ पर रैंप फिर आपको डमी उठानी है। डमी उठा के आपको रन करना है।
एंड पॉइंट पर जाना है, वहाँ पे भी वॉलंटियर होगा, वॉलंटियर को क्रॉस करके वापस आना है, डमी को उसकी जगह पर रखना है, फिर यहीं पर लेफ्ट साइड में होज लेकर बांध कर रस्से से बांध कर नीचे लटकाया हुआ है, होज को खींचना है, लिफ्ट करना है और जहाँ आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे क्रॉस करके रखना है। आपको नीचे होज रख के वापस आना है, अपने फॉर्म ड्रम उठाने, फॉर्म ड्रम उठा के आपको वापस नीचे जाना है, जहाँ से आपने फॉर्म ड्रम उठाए थे वहीं पर प्लेस कर देने। वहाँ पर प्लेस करने के बाद आप ड्रिल एरिया में इधर आएंगे, फायर सूट और बी ए सेट पहने हुए आप स्टेप्स पे ऊपर चढ़ेंगे और नीचे उतर जाएंगे, ठीक है? ये वाले स्टेप्स हो या दिस स्टेप्स जस्ट ऐसे ही, मतलब विदाउट एनी इक्विपमेंट, कुछ विदाउट एनी इक्विपमेंट नथिंग, यू जस्ट हैव टू क्लाइम अप एंड क्लाइम डाउन होल्डिंग द रेल, होल्डिंग द रेलिंग, ओके? ओपन से नहीं, होल्डिंग द रेलिंग, रेलिंग पकड़ के चढ़ना, रेलिंग पकड़ के उठना है, फिर आप वापसी ग्राउंड में जाएंगे ट्रैक पर। ट्रैक पे आपको एक एंड से दूसरे एंड ग्रास में क्रॉलिंग करनी है, क्रॉलिंग वो गिले से, हाँ लास्ट पॉइंट क्रॉलिंग करनी है आपको, यस विद बी एस एड क्रॉलिंग करने के बाद ओनली ग्रास टू ग्रास, ओनली ग्रास टू ग्रास, ओके। जैसे ही आपका ग्रास का एंड पॉइंट टच करेंगे आप, ओके, वहाँ पे आपको बी एस एड उतार देना है, बी एस एड उतार के आप वापसी रन करके आएंगे, ट्रैक से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आपको विसल रखी होगी, आप विसल ब्लो करेंगे, विसल ब्लो करते ही आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा, ठीक। पूरे TFA में जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं आपको सभी स्टेप कंप्लीट करने हैं, आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते कि मैं ये स्टेप नहीं करूंगा, आई विल गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ़ यू स्किप एनी स्टेप यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, दैट मींस यू आर क्विटिंग। ईच एंड एवरी स्टेप यू विल हैव वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स यू विल हैव वॉलंटियर्स, किसी को डाउट है पूछ लीजिए, किसी को डाउट है पूछ लीजिए। नो फायर सूट नहीं उतारना, ओनली बीएसएट, सिर्फ बीएसएट उतार, बीएसएट उतार कर फिर आपको रन करना है। क्यों बीएसएट उतार रहे हो? देखो बीएसएट वहां क्यों उतार रहे हो, यहां आने दो, बीएसएट थोड़ा हेवी क्लास में, मगर वो पहन के तो जा ही रहे हैं। अच्छा क्रॉलिंग करके, ठीक है, वो गिरने का डर है इसीलिए, डमी को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है, फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन का वेट कितना है? 32 kg, 32 kg सर, वो ज्यादा लग रहा है सर, पानी भीग गया, मैं बता रहा हूँ सर, ज्यादा है कि नहीं उठाएगा सर? मैंने 60 kg का सर, मैंने 80 kg उठाया, ठीक है। चलो एक मिनट, जो है अभी 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 सुनो, गोश जो है वहाँ पर है ना, सुन तो एक मिनट, जो है वो है सबके लिए, सबके लिए इक्वल है जो भी है, वो उसका जो प्रोपोर्शनेट है, इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट, सारों को लिफ्ट करवा लो, ठीक है ना? तो अभी क्या हो सकता है, घोष ड्रैग इट, यस ड्रैग इट, दैट इज दैट, ड्रैग से पैर मार देगा उसके, नहीं 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 ड्रैग नहीं, ड्रैग मींस व्हाट ड्रैग सर? उसको कंधे से पकड़ के हमने 360 में वही किया, पैर पैर जाएगा ना फिर? नहीं सर, हां शोल्डर से यूं उठाया जाएगा सर, सर सर बॉम्बे में ऐसे ही था, अभी रिक्वेस्ट है इज इक्वल टू ऑल सर, यही भी इक्वल कर दीजिए सबके लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं बता रहा हूं, पहले से लिखा भी हुआ है, लिसन लिसन, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर रूल में लिफ्ट है तो अभी लिफ्ट करें, ठीक है? तो इसके आपको बाद में आपको उसको 32 kg वजन करके दिखाना है, श्योर, यस श्योर, चलो ठीक है, अभी ऑल द बेस्ट, आप okay. अपना सूट सिलेक्ट कर लीजिए, प्लीज एवरीबॉडी टेक योर, पहली बार रेलों का और फायर ट्रिक्स का तो उन्होंने सवालों में रखा है, इसके लिए मैं अपने धन्यवाद करूंगा, पूरा करेंगे सर, पूरा करेंगे, इधर पीछे 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 देखो,
एडी पुलवा एमओडी के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फागुन एनएमओ में धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छा खेल महोत्सव रहा है, थैंक यू। राजेंद्र सिंह दिल्ली फायर सर्विस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो मैच कराए हैं, ये अगली जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, हम थैंक यू करते हैं। कौन सी सर्विस? ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मंडल ने ये जो स्पोर्ट्स अरेंज की है बहुत बढ़िया अरेंज किए हुए हैं, ये फायर बैट डबल फायर बैटिंग वाला रखा हुआ है, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स है, उसकी कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं। योगेश जी कहे चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये तो मिस्टर त्रिमुलेश नायका मंच पे हैं, मिस्टर त्रिमुलेश नायका कर्नाटक का फायर सर्विस से इंटरव्यू के लिए मंच पे हैं। म्यूजिक ऑन, विशेष साउंड आने चाहिए, विशेष का साउंड आने चाहिए, भाई बहुत अंदर लग ना ना रहे दोस्त आज तो मैं भी नहीं लग रहा है, रखे बड़ा था हो गया आवाज पास कोई नहीं अंदर हो बड़ा सेकंड गेम ही जा रहा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ विशेष विशेष पहले इनको नहीं करना कोई बहुत ही बढ़िया आखिरी झटका कुछ ना हो गया आप आ रहे बस थोड़ा हवा आपको फोटो खींचने दो थैंक यू दोस्त दिल्ली मेरा स्केल मेडल सीएडी फायर के नाम पर शहीदों के नाम पर।